साइड 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 रुकिए रुकिए सोलो एक सोलो कर लेते ना पहले अरे बीच में आके करोगे ये बोतल भी लुक प्लीज कम क्लोज बोतल भी राइट साइड है प्लीज राइट साइड भाई लुक गया भाई हाथ यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए सेंटर सेंटर मैम मैम यहाँ पे यहाँ पे देखिए सेंटर में यहाँ पे सेंटर इधर मैम देखिए इधर देखिए सेंटर सेंटर पीछे ऑडियंस में तो पीछे जी शादी हो गई पर मैं इतनी बदली नहीं हूँ एक्चुअली आई फील लाइक शादी से पहले मुझे बहुत टेंशन था कि शादी होगी तो बदल जाऊंगी बट नॉट सो मच आई थिंक दुनिया बदल गई है क्योंकि वी हैव ऑल बीन थ्रू अनफॉर्चुनेटली अ पैंडेमिक सो आई थिंक जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं वो बदल गया है और आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि ये फिल्म अब आ रही है क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें ये ज़्यादा रेलिवेंट और ज़्यादा लाइक आई थिंक इट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी सेड ऑल्सो पैंडेमिक वॉज डिफ़िकल्ट आई डोंट नो आप लोगों के लिए था कि नहीं बट फॉर मी इट्स इट वॉज मेंटली डिफ़िकल्ट काफ़ी लोगों के लिए यू नो और एक फील गुड फिल्म देखना लाइक आई लव वॉचिंग फील गुड सो दिस इज़ दैट ये एक फील गुड फिल्म है जो आपको जस्ट हैप्पी छोड़ेगी यू नो एंड एक लाइफ का एक अच्छा स्वीट नाइस पर्सपेक्टिव एक जो रोमांटिक कॉमेडीज़ जो हमारे बॉलीवुड की मेरी फेवरेट थी हमारी बॉलीवुड में विच आई पर्सनली फील थोड़ी मिसिंग है मेरे लिए सो दिस इज़ दैट इज़ व्हाई मैंने ये की क्योंकि मेरे लिए वो फील था इसमें जो मैं जिस तरह की पिक्चर मैं देखना चाहती हूँ तो आई होप कि आप लोग भी देखना चाहेंगे Also, टीजर के बारे में आपने बात की जर्नलिस्ट से क्या रिस्पॉन्स था अगर उस बारे में कुछ बताया थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में ग्लिंस देना चाहे हमारी ऑडियंस आई थिंक टीज़र के बारे में जो आप लोगों से बात की आप लोगों के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे जो आपने पूछे और मेरे लिए तो जेन्युइनली यही था कि आपने देखी है प्लीज़ आगे जाके फिल्म देखिएगा ट्रेलर आएगा तो आप और लाइक हम धीरे धीरे खोल रहे हैं ये फिल्म कैसी है क्या है और थोड़ी डिटेल्स जब म्यूज़िक और ट्रेलर रिलीज़ होगा तो और फीलिंग आएगी मैं काफ़ी नर्वस हूँ कि आप लोगों ने देखी है और आप लोगों के रिएक्शंस तो अच्छे थे सब ने अच्छे रिएक्ट किया आई जस्ट होप के जेन्युइन थे और सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का लोगों के रिस्पांस के बारे में और ये फिल्म के बारे में अगर कुछ बताया सो हमारी फिल्म जैसे मैंने कहा एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें ऑफकोर्स एक पैरेलल लाइन पे ये बात रन करती है कि ये जो लड़की है वो नेसेसरीली सोसाइटी की परफेक्ट के हिसाब से परफेक्ट नहीं है मतलब अपने हिसाब से वो परफेक्ट है लेकिन जो सोसाइटी परफेक्ट मानती है उसके हिसाब से वो परफेक्ट नहीं है तो उसका उसके साथ हल्का सा स्ट्रगल वाइल
उसकी लाइफ में लव जो भी उसने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो उसके लिए भी नया है, तो वो एक नई चीज़ को किस तरह से एक्सपीरियंस कर रही है और उसको वो क्या समझती है, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इस बारे में है थोड़ी सी कहानी। ऑब्वियसली जैसे आपने देखा होगा थोड़ी मुफट है, थोड़ी गुस्से वाली है, तो उसका प्यार में, ऐसी लड़की का प्यार में पड़ना कैसा होता है, तो ऐसा है कुछ। बॉडी शेमिंग के बारे में भी कुछ मैसेज देगी अपन? ऑफ कोर्स, बिकॉज एक जैसे मैंने कहा एक पैरेलल लाइन पे ये बात रन कर रही है कि हम अपनी दुनिया में परफेक्ट ही ढूंढते रहते हैं, बट क्या परफेक्ट है कौन जानता है, लाइक कौन डिफाइन कर रहा है परफेक्शन को, यू नो, हम हमें परफेक्शन को खुद के लिए डिफाइन करना चाहिए, इज व्हाट आई फील। तो एक हल्का सा एक लाइन है उसमें, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी उसके बारे में बात होगी, बट फिल्म इज नॉट ओनली अबाउट दैट, बट ऑफ कोर्स पैरेलल लाइन लाइक आई सेड है, थोड़ा सा तो है। अगर आपके किरदार के बारे में बात करें तो आप जैसी हो हंसने खेलने वाली उसी तरीके से है कि कुछ अलग? ये भी काफ़ी हंसने खेलने वाली बबली टाइप की है, जैसे आई गेस वो मैं भी हूँ शायद, लेकिन जैसी ये मुफट है, जैसे वो बॉटल फोड़ रही है लोगों के सर पे, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं किसी को ऐसे इतनी बोल्ड या ऐसे मतलब मारपीट करना, अग्रेशन मुझे नहीं लगता मुझ में है। ऑफ कोर्स आपको मेरे आसपास के लोगों से पूछना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक कि मुझ में है। लास्टली सना, आपने ये टीजर तो हमने देखा लेकिन जी, क्या फैमिली को दिखाया आपने? नहीं, एक्चुअली आप लोगों ने पहले देखा है, आप लोगों ने सारी फैमिली से पहले ये टीजर देखा है, सिर्फ मैंने, अभिषेक ने, टीम ने देखा है और आप लोगों ने देखा। आप लोगों को हम उससे भी ज़्यादा स्पेशल मान रहे हैं, फैमिलीज को दिखाएंगे, अभी आपने देख लिया उसके बाद दिखाऊंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स गाइस।